आज हम गाड़ी के सबसे जरूरी हिस्से के बारे में सीखेंगे और वो है इंजन। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, कौन से तरह के इंजन मौजूद है और गाड़ी की पावर ट्रेन कैसे काम करती है। इंजन कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टीम इंजन, जो स्टीम यानी भाप पे काम करता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जो रेडियो एक्टिविटी पे काम करता है। ये वाला आपने बहुत जगह देखा रहेगा, जिसे कहते हैं स्टर्लिंग इंजन, जो हीट यानी ऊर्जा पे काम करता है। अब इन सभी इंजिन को चलाने के लिए इंजन को बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि स्टीम इंजन को चलाने के लिए स्टीम बाहर से कंबशन चैम्बर में डाली जाती है, इसलिए ऐसे इंजिन को एक्सटर्नल कंबशन इंजिन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए और इंजिन को देखते हैं। ये है एक बाइक इंजिन, जिसके बारे में मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये है कार इंजिन, इस वाले इंजिन को कहते हैं टर्बोजेट, सरल भाषा में जेट इंजिन। अगर आपको जेट इंजिन के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इन सभी तरह के इंजिन में फ्यूल इंजिन के अंदर ही बर्न होता है, इसलिए ऊर्जा इंजिन के अंदर ही तैयार होती है, और इसलिए इस तरह के इंजिन को इंटरनल कंबशन इंजिन कहते हैं। बाइक और कार इंजिन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ये दोनों ही फोर स्ट्रोक इंजिन है। चलिए हम इंजिन कंपोनेंट्स को डिटेल में जानते हैं और इंजिन के बारे में नई बातें जानते हैं जो शायद आपको पता ना हो। यहाँ पर हम एक बेसिक सा इंजिन लेते हैं, इसे कहते हैं पिस्टन, जो कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन के लिनियर मोशन को क्रैंकशाफ्ट रोटेशनल मोशन में परिवर्तित करता है, और फ्लाईव्हील जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। पर क्रैंकशाफ्ट पे पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे क्यों लगाए जाते हैं, इसे जानने के लिए चलिए हम इंजन स्ट्रोक्स के बेसिक्स को समझते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन जिसमें फ्यूल अंदर आता है, कंप्रेशन जिसमें फ्यूल कंप्रेस होता है, एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक में फ्यूल जलता है, और एग्जॉस्ट जिसमें जला हुआ ईंधन बाहर निकलता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो इंजन चार में से खाली एक ही स्ट्रोक में पावर जनरेट करता है, और वो है पावर स्ट्रोक। अगर सारे पिस्टन्स एक ही साथ घूमे तो फ्लाईव्हील पावर स्ट्रोक में ही तेज घूमने लगेगा, जिससे कि इंजन में बैलेंस नहीं बनेगा। जब ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है तब दो पिस्टन पहले पावर जनरेट करता है और बाकी के पिस्टन्स उसके बाद। ऐसा करने से यूनिफॉर्मली इंजन घूमता रहेगा। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं फायरिंग ऑर्डर, यानी कौन से टाइम पे कौन सा पिस्टन काम करेगा। ये ऑर्डर यूजुअली रहती है 1, 3, 4, 2, यानी कि पिस्टन 1 पहले फायर होगा, उसके बाद होगा पिस्टन नंबर 3, उसके बाद 4 और लास्ट में 2। अब एक्चुअल में पिस्टन की एक्सिस थोड़ी साइड में होती है, ऐसा करने से इंजन को घूमने में आसानी मिलती है। चलिए समझते हैं कैसे। अब ये है क्रैंकशाफ्ट का वर्टिकल रिएक्शन और ये है पिस्टन का रिएक्शन। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी होती है तो पैदा होता है कपल, जो पिस्टन को एक ही डायरेक्शन में बिना गति बदले घुमाता है। अगर पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट की एक्सिस एक ही लाइन में होगी तो इन दोनों के रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जिससे कि क्रैंकशाफ्ट को पता नहीं चलेगा कि उसको कौन से डायरेक्शन में घूमना है। इससे इंजन काम करना बंद कर देगा। चलिए अब दूसरे इंजन अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। इस अरेंजमेंट में एक क्रैंक पिन पे दो कनेक्टिंग रॉड्स लगाए जाते हैं। इन तरह के इंजन को वी इंजन कहते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड वी शेप में लगाए जाते हैं। कनेक्टिंग रॉड का बीच का एंगल 60 से 90 डिग्री तक रह सकता है। इन इंजिन का वर्किंग प्रिंसिपल इनलाइन इंजिन की तरह ही होता है। तो फिर इनलाइन और वी इंजिन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला और मेन डिफरेंस है स्पेस प्रोविजन। आप खुद ही देखिए, वी इंजिन में 8 सिलेंडर को लगाया जा सकता है और वो इनलाइन इंजिन जितनी ही जगह लेगा। इसकी वजह से वी इंजिन में ज्यादा पिस्टन फिट हो सकते हैं, जिससे कि सेम इंजन साइज में आपको ज्यादा पावर मिलेगा। दूसरा है एरोडायनामिक्स। वी शेप में होने की वजह से वी इंजन चपटे होते हैं, जिससे कि मॉडर्न कार्स जिनका बोनेट स्पेस हाइट में छोटा होता है, उन कार्स में भी ये इंजन बिना किसी दिक्कत के बैठ सकते हैं। हालांकि इनलाइन इंजन के सिंप्लिसिटी के चलते ये इंजन सस्ते होते हैं कंपेयर टू वी इंजन। अब जानते हैं वी इंजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम।
पीछे हमने देखा कि पिस्टन की एक्सिस शिफ्ट करने से मोमेंट पैदा होता है। वी इंजन्स में ये एक्सिस इंजन की शेप की वजह से ज़्यादा ही दूर होती हैं, जिसकी वजह से न्यूटन के थर्ड लॉ के चलते पैदा होते हैं वाइब्रेशंस। साथ ही साथ वी इंजन्स में पिस्टन्स की संख्या दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, नहीं तो इंजन इम्बेलेंस हो जाएगा और ठीक से काम नहीं करेगा। वी इंजन्स का इंजन ब्लॉक कुछ ऐसा होता है। सिलेंडर्स वी शेप में होने से इनकी विड्थ थोड़ी ज्यादा रहती है। ये है ऑयल सम्प, इन्हें कहते हैं रॉकर्स। ये इंजन में एयर फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित करता है। हर सिलेंडर के लिए दो रॉकर्स दिए जाते हैं, एक इनलेट वाल्व को नियंत्रित करता है और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व को। रॉकर्स कुछ इस तरह काम करते हैं और इन्हें कंट्रोल करता है कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट पे कैम लगे रहते हैं जो कुछ इस तरह से रॉकर्स को नियंत्रित करते हैं। रॉकर्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। कैमशाफ्ट रोटेट करने के लिए इंजन से ही पावर लिया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। कैमशाफ्ट के आगे एक गियर लगाया जाता है जिसे कहते हैं टाइमिंग गियर। दोनों कैमशाफ्ट्स पे एक एक टाइमिंग गियर लगाए जाते हैं। इंजन के एक साइड में लगा होता है अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, और दूसरी तरफ लगा होता है वाटर पंप जो इंजन को ठंडा करता है। इन सभी गियर्स के बीच लगी रहती है टाइमिंग बेल्ट, और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कैमशाफ्ट के घूमने की गति को नियंत्रित करता है। रॉकर्स के ऊपर लगता है रॉकर कवर या इंजन कवर। दोनों कवर्स के बीच में लगाया जाता है इनटेक मैनिफोल्ड, जहां से हवा इंजन में अंदर आती है, और इसी तरह हमारा इंजन पूरा होता है। ऐसे कई तरह के इंजन्स V6 से लेके V32 तक मौजूद हैं। हालांकि सभी इंजन्स का वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है और सभी रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो ये वो सभी बेसिक पार्ट्स हैं जो किसी भी इंटरनल कम्बशन कार इंजन में पाए जाते हैं। चले अब हम ड्राइव ट्रेन की ओर थोड़ी नजर डालते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं इस अरेंजमेंट में इंजन फ्रंट साइड में माउंट किया गया है और पावर पीछे वाले टायर्स को पहुंचाया गया है। इस तरह के कार्स को कहते हैं रेयर व्हील ड्राइव, यानी कि खाली पीछे के टायर्स घूमते हैं और वो आगे के टायर्स को घुमाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में होते हैं फोर व्हील ड्राइव, जिसमें गाड़ी के चारों टायर्स को पावर दिया जाता है। चलिए आज हम सिंपलिसिटी के लिए रेयर व्हील ड्राइव के ही बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है पावर को जनरेट करना, जो इंजन पूरा करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर को पिछले टायर्स तक पहुंचाना है। अगर आप साइड से देखें तो इंजन पिछले टायर्स से जरा ऊपर माउंट किया जाता है। अब क्योंकि इंजन और टायर्स कोलिनियर नहीं है, इसलिए शाफ्ट को लगा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए शाफ्ट और इंजन के बीच लगाया जाता है हुक्स जॉइंट, या आसान भाषा में यूनिवर्सल जॉइंट। इसकी खास बात यह है कि ये जॉइंट किसी भी एंगल पे पावर को ट्रांसफर कर सकता है। शाफ्ट के दोनों एंड पे एक एक यूनिवर्सल जॉइंट लगाया जाता है। इस तरह पावर डिफरेंशियल तक ट्रांसफर होता है और टायर्स तक पहुंचता है। और डिफरेंशियल से पावर कैसे टायर्स तक पहुंचता है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब एक्चुअल में चलते वक्त गाड़ी ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से टायर्स और इंजन के बीच की दूरी चेंज होती है। अब क्योंकि शाफ्ट की लंबाई फिक्स रहती है, इसलिए गाड़ी चलते वक्त वो इंजन और डिफरेंशियल दोनों को खींचने लगेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का यूज किया जाता है। ये एक नॉर्मल शाफ्ट ही रहता है, लेकिन इसके बीच में एक स्लिप जॉइंट दिया जाता है, जिससे कि शाफ्ट की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। इससे गाड़ी चलते वक्त पावर का फ्लो स्मूथ रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।